गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आप सभी का ट्रिप बोहेमिया मैथमेटिक्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हमें दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम सीखनी है, एक तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा और एक रूशेस थ्योरम, और फिर उनकी एप्लीकेशन देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जैसे एग्जाम में जरूर नजर आ जाते। तो करें काम स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले एक बार मुझे आप कन्फर्म कर दें कि आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? प्रेरणा, रिशु, वेरी गुड मॉर्निंग। आज यहाँ पर जो है काफी बारिश और तूफान आया और काफी लाइट गई फिर आई फिर आई, तो इस चक्कर में फाइनली आपके सामने हम नजर आ रहे हैं। तो वेदर थोड़ा अप एंड डाउन था, बारिश वाला पार्ट अच्छा था पर तूफान भी आया काफी ज्यादा। चले फिर करें काम स्टार्ट। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा एक बार कन्फर्म कर दीजिए कि ऑडियो और वीडियो ठीक है, अच्छे से आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सब बढ़िया है, तो आगे चलेंगे। क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल, प्रेरणा, थैंक यू सो मच। बीच में भी अगर आवाज़ में कुछ डिस्टर्बेंस आए तो आप मुझे बता दिया कीजिए, अगर ऑडियो ठीक रहे तो बहुत अच्छी बात है ना। चलो, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा क्या कहती है, आप लोग बताना चाहेंगे आप में से कोई भी? व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा? एलजेब्रा की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ एलजेब्रा एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि मैथमेटिक्स की कोई सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम का नाम बताएं, तो आप बिंदास इस थ्योरम की बात कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या कहती है ये? पॉलीनोमियल इन सी हैज एटलीस्ट वन रूट इन सी। अगर हम एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनॉमियल लेके चलें जिसके कोफिशिएंट भी कॉम्प्लेक्स हैं, वेरिएबल भी कॉम्प्लेक्स है, तो उसका कम से कम एक रूट हमें जरूर मिलने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। ये बाकी सबके लिए जरूरी नहीं है। अगर पॉलिनॉमियल रैशनल नंबर है तो जरूरी नहीं है उसका रैशनल में रूट आ जाए। अगर पॉलिनॉमियल रियल नंबर है तो जरूरी नहीं है उसका रियल में रूट आ जाए। पर अगर पॉलिनॉमियल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बहुत जरूरी है कि उसका रूट कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें मिल जाएगा। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा। और इसके एक बहुत बढ़िया, इससे भी ज्यादा जरूरी इसकी कॉरिलरी जो है वो है कि एवरी पॉलिनोमियल इन सी व्हिच इज ऑफ डिग्री एन हैज एन रूट्स इन सी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हाँ, हर पॉलिनॉमियल का कम से कम एक रूट तो मिल जाता है, पर उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर एन डिग्री का पॉलिनॉमियल है तो उसके एन के एन रूट्स हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में मिल जाएंगे। तो सिर्फ एक ही नहीं बल्कि जितनी डिग्री है सारे रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर में मिल जाएंगे, व्हिच इज नॉट वन। मैं आपसे इसके रूट्स पूछूं, पॉलिनॉमियल है एक जेड में, मैं इसके दो पार्ट बनाती हूँ, मैं पूछती हूँ पहला अगर जेड मैं बोल दू रियल नंबर है तो इसके रूट्स बताओ, और अगर जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके रूट्स बनाओ। अगर मैं आपसे कहूँ जेड रियल नंबर है तो इसका कोई रूट आएगा? जेड स्क्वायर माइनस वन रियल नंबर में कभी होता ही नहीं, तो रियल नंबर के केस में नो सच पॉसिबल जेड आर देयर, यानी कि नो रूट्स, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चले तो हमें मालूम है फंडामेंटल थ्योरम से एटलीस्ट वन रूट तो आएगा ही, और इसकी डिग्री कितनी है? टू डिग्री है, तो दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स में रूट आ जाएंगे बाय द कॉरिलरी। और कौन से आ जाएंगे हमें मालूम है, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, ये दोनों रूट्स हमारे पास आ गए हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। बात समझ में आई? तो फंडामेंटल थ्योरम जो है हमारा काम बहुत आसान कर देती है, और हमें मालूम है फिर रूट्स निकालने का काम तो हमें आता ही। यहाँ तक ठीक है, आगे चलें। हम यहाँ तो बारिश की बात कर रहे थे, धूप है, अच्छा यहाँ पे फिर अभी धूप नहीं आई है, अभी अच्छा मौसम ही है, और शायद ऊपर नाश्ता बन रहा है बढ़िया सा, और परांठे बन रहे हैं, बढ़िया सा इंतजाम बरकरार है। मेरे को कॉल भी आई थी पर क्योंकि वीडियो का टाइम हो गया इसलिए हमारा नाश्ता बाद में होगा। मैं बहुत अच्छी हूँ बेटा, आप लोग कैसे हैं अभी बताएं। और मैम, कल वाले होमवर्क क्वेश्चन में कॉन्टूर क्या था? कॉन्टूर नहीं बताया था मैंने? कॉन्टूर आप ले सकते हैं जेड इज इक्वल टू कोई भी सर्कल ले लेते, जेड इज इक्वल टू 1 2 3 10 लेकर सॉल्व कर लेते, आपको आइडिया लग जाता है ना, जनरली सर्कुलर रीजन से काम लग जाता है, आइडिया लग जाते। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मॉर्निंग सौरभ। चलो फिर करते हैं काम आगे। यहाँ तक ठीक है बेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूशेस थ्योरम, वो क्या कहती है? अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरम, और फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे, बड़े मजेदार क्वेश्चंस।
तो ऑडियो वीडियो क्वालिटी एकदम ठीक है, मुझे बीच में क्रॉस चेक करते रहा करे ताकि आई एम डबल श्योर। रूशेस थ्योरम, आप कमेंट करके बताएं रूशेस थ्योरम क्या कहती है। नाम और काम तो जरूर सुना होगा है ना, बताएं रूशेस थ्योरम क्या चीज है, क्या कहती है। जी मैम बताएं जल्दी से कमेंट करके, व्हाट डू मीन बाय रूशेस थ्योरम। रूशेस थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास कोई बड़ा सा पॉलिनॉमियल है या कोई ऐसा फंक्शन है जिसके रूट्स का हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे, तो हम एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम उस बड़े से फंक्शन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, एफ जेड प्लस जी जेड, इस तरीके से कि ये दोनों हमारे गिवन कॉन्टूर पर एनालिटिक हो, कॉन्टूर के अंदर भी कॉन्टूर के ऊपर भी, एंड अगर मॉडुलस इनमें से किसी एक का दूसरे से छोटा हो जाए तो हम उसके हेल्प से इसके पूरे रूट्स निकाल सकते हैं। तो इफ एफ जेड एंड जी जेड आर टू फंक्शंस, जाहिर बात है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस हैं विच आर एनालिटिक एनालिटिक ऑन एंड इनसाइड अ सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर सी दैट, अब किसी एक का मॉडुलस दूसरे से छोटा ले लेते हैं, मॉडुलस ऑफ जी जेड इज लेस देन मॉडुलस ऑफ एफ जेड। इसी बात को लिखने का दूसरा तरीका भी है, मॉडुलस ऑफ जी जेड बाय एफ जेड इज लेस देन वन, ठीक है ना, एक ही तरीके एक ही बात है, इज लेस देन एफ जेड देन एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड हैव सेम नंबर ऑफ जीरोज या कह लो रूट्स कह लो एन सी। तो मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे पास कोई एफ जेड प्लस जी जेड है, हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सॉल्व करना नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, हम उसको इस तरीके से कंपेयर कर लेंगे। हमारे पास अगर कोई फंक्शन है मान लो फाई ऑफ जेड, हमें समझ नहीं आ रहा इसके रूट्स कैसे निकालने, तो हम उसको दो पार्ट से ब्रेक कर सकते हैं। अगर वो दो पार्ट से कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, पहले तो वो दोनों पार्ट्स अपने आप में एनालिटिक हो और एक का मॉडुलस दूसरे के मॉडुलस से छोटा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए बस इतनी सी बात, एनालिटिक हो एक का मॉडुलस दूसरे से छोटा हो जाए, तो हम कह देंगे कि अच्छा पूरे के रूट निकालने में दिक्कत हो रही है, लो सिर्फ इतने पार्ट के रूट निकालो एफ जेड के, जितने एफ के रूट्स होंगे बाकी पार्ट के भी उतने ही रूट्स होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है, फिर से अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इससे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन आसान हो जाते हैं एंड बिल्कुल पेपर में इसका एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखिए आपको याद आ जाए कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन रूशेस थ्योरम से होता है ना। करें डिस्कस, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा काम जो है हमारा आसान करने वाली है थ्योरम। क्वेश्चन, फाइ जेड डिफाइन बाय जेड रेस पर 12 प्लस 9 टाइम्स जेड रेस पर 7 प्लस 8 जेड प्लस 1 देन फाइ जेड हैज ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी पार्ट 12 जीरोस इन मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1 7 जीरोस इन मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1 एंड देन वी हैव, आप लोग सॉल्व करो जब तक मैं ऑप्शन बना रही हूँ, आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है क्वेश्चन में। फाइव जीरोस इन मॉड ऑफ जेड लाइंग बिटवीन 1 एंड 2 एंड 7 जीरोस
इमोट्स इट लेस एन इक्वल टू टू, इमोट्स इट इक्वल टू टू कर देते हैं। चलो लगाओ दिमाग। आपके सामने एक फंक्शन है, बेसिकली पॉलीनोमियल है, इसको तो वैसे जानते हैं हम आसानी से, हमें इसके रूट्स निकालने को कहा, ठीक है ना। हाँ मालूम है कितने डिग्री का पॉलीनोमियल है, टोटल 12 डिग्री का पॉलीनोमियल है, हाईएस्ट इसमें जो पावर है वो 12 है, तो टोटल तो 12 रूट्स आएंगे। हमें देखना है कौन से रीजन में कितने रूट्स लाई करें, जेड लेस देन वन में इक्वल टू वन में कितने रूट्स हैं, जेड वन और टू के बीच में तो कितने रूट्स हैं, जेड अगर टू के बराबर है तो कितने रूट्स हैं, ये देखना है, लग जाए काम पर। जल्दी से सोच कर बताएं, या पहले आपको सोचना है कि इसमें करना क्या है। अब इसमें रोशेस थ्योरम का आइडिया कैसे लगेगा, हमें जीरोज निकालने, हमें अलग अलग रीजन में जीरोज निकालने, तो हम क्या करेंगे। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको मालूम है पहला केस लेके चलते हैं, शुड आई हेल्प या आप लोग बताएंगे आंसर, शुड आई वेट या शुड आई कंटिन्यू विद द डिस्कशन, बताएं जल्दी, कंटिन्यू करें। ठीक है, तो मान के चलो कि हमारे पास क्या, पहले हम लेके चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से मॉड जेड इज इक्वल टू वन। अगर मॉड जेड वन है तो इन सब इंडिविजुअल पार्ट्स के ना जरा वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो मॉड ऑफ जेड रेस पर 12 क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। मॉड ऑफ 9 जेड रेस टू द पावर 7 क्या आ जाएगा, 9 इंटू 1 दैट इज 1। मॉड ऑफ 8 जेड क्या आ जाएगा, 8, एंड साथ में मॉड ऑफ 1 तो 1 ही रहेगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमें इस फंक्शन को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि इसका कुछ पार्ट दूसरे पार्ट से बड़ा हो, है ना। देखते हैं कौन सा पार्ट लेके चल रहे हैं भाई, 9 बड़ा है क्या, 9 बाकी सबके सम से भी बड़ा है, अगर 9 प्लस 1 कर दें तो बाकी सबके सम से बड़ा है ना, तो ये कर लेते हैं, जेड रेस पर 12 प्लस 9 जेड रेस पर 7, इसका मॉडुलस क्या है, या बाकी सबसे बड़ा है ना, इट इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ 8 जेड प्लस 1। इसमें कोई दिक्कत, ये बात सच है। ठीक है, अब हमें कंडीशन मिल गई, हमने क्या करा, फंक्शन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब जितने रूट्स इसके मिल जाएंगे इन रीजन मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1, उतने रूट्स पूरे पॉलीनोमियल के मिलेंगे। अब इसके कितने रूट्स मिलेंगे, कौन सा रूट है जो इसको सेटिस्फाई करेगा यहाँ पर, तो जेड रेस पर 7 कॉमन ले लें, क्या बचेगा यहाँ पे, जेड रेस पर 5 प्लस 9, कितने रूट्स मिल जाएंगे इसके, टोटल कितने रूट्स मिल जाने वाले हैं हमें, 12 रूट्स मिल जाएंगे। इसको जरा पुट करो इक्वल टू 0, जेड रेस पर 7 से कितने रूट्स मिलेंगे, सारे 0 रूट्स मिलेंगे, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 0 0 कितनी बारी, 7 टाइम्स, और जेड रेस पर 5 प्लस 9 इज 0, यहाँ पे कितने रूट्स मिलेंगे, यहाँ पे जेड की वैल्यू आ जाएगी 9 का फिफ्थ रूट माइनस 9 का, ठीक है ना, माइनस 9 का फिफ्थ रूट, कितने रूट्स मिल जाएंगे हमें, 5 रूट मिलेंगे हमें, मालूम है एनएस रूट से कि 5 रूट्स हमें मिल जाते हैं, 5 रूट्स यहाँ से मिल जाएंगे, 7 रूट्स यहाँ से मिल जाएंगे। अब कौन से है जो मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1 में लाई करेंगे, फिफ्थ रूट ऑफ माइनस 9, क्या ये मॉड जेड इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 में लाई करेंगे, हाँ है ना, मॉडुलस निकाल कर देख लो, इनका मॉडुलस निकालोगे तो क्या आएगा, करेंगे लाई, बिल्कुल जरूरी ऐसा नहीं है तो नहीं करेंगे, क्या ये 7 रूट्स लाई करेंगे सारे के सारे मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1 में, करेंगे, तो क्या 12 रूट्स इसमें आ रहे हैं, नहीं, 7 रूट्स इसमें आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे, ठीक है। अब बात करते हैं जेड इज इक्वल टू 2 की, अब मॉड जेड 2 पुट करके देख लो, मॉड जेड 2 पुट करोगे तो क्या, फिर से इंडिविजुअल वैल्यूज की जरा वैल्यू निकालो, अगर 2 है तो इंडिविजुअल केसेस की क्या वैल्यू आने वाली, बताओ वैल्यू निकाल कर, 12 क्या हो जाएगा, 2 रेस पर 12, यानी कि 1024 × 4 कर लो आगे, ये हो जाएगा 9 टाइम्स जेड रेस पर 7, जेड रेस पर 5 इज 32, 64 128, है ना, 9 × 128 आगे कर लेना, एंड ये है 8 टाइम्स जेड, यानी कि 8 टाइम्स 216 और 1 का 1। अब मेरे को लगता है आगे सवाल अगर आप ये वाला पार्ट नहीं भी करोगे तो भी आपको पता लग रहा है जेड रेस पर 12 सबसे बड़ा है, तो वील गेट जेड रेस पर 12 मॉडुलस इज ग्रेटर देन द मॉडुलस ऑफ बाकी का रिमेनिंग जेड रेस पर 7 प्लस 8 जेड प्लस 1, ठीक है, पता लग रहा है बात, बिल्कुल।
अब ये बड़ा, इसका मतलब जितने इसके रूट्स होंगे उतने ही बाकी सबके रूट्स होंगे, तो नंबर ऑफ रूट्स ऑफ फाई जेड इन मॉड जेड लेस देन इक्वल टू टू, हम टू के लेके ले चल रहे हैं, इज नंबर ऑफ रूट्स ऑफ जेड रेस पर 12 इन द सेम रीजन। जेड रेस पर 12 को आप जीरो पुट करोगे कितने रूट्स आएंगे, 12 टाइम्स जीरो तो कितने रूट्स आ जाएंगे, 12 रूट्स, ठीक है ना। तो मॉड जेड लेस देन इक्वल टू टू में कितने रूट्स आएंगे, 12 रूट्स आएंगे। इन्होंने यहाँ पे 7 ले रखा है, दैट इज नॉट करेक्ट, यहाँ तो 12 के 12 आ जाएंगे, तो ये सही नहीं है। अब 1 और 2 में कितने आ जाएंगे, 2 के केस में कितने आ रहे हैं, 12, 1 के केस में कितने आ रहे हैं, 7, तो 1 और 2 के बीच में कितने लाई करे होंगे। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, ये ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल वाला ऐसा वाला रीजन बन रहा है, ये अपना कॉन्टूर है। पहले केस में कॉन्टूर क्या है, मॉड जेड लेस देन 1, यानी कि यहाँ पे हमारा जो सेंटर जीरो होगा, ये रेडियस 1 है और ये बाहर वाला रेडियस कितना है, 2 है। पहला रीजन मॉड जेड इज इक्वल टू 1 ये रहा, दूसरा रीजन मॉड जेड इज इक्वल टू 2 ये रहा। पहले रीजन के अंदर 7 रूट्स लाई करें, यानी कि ऐसे होंगे जेड 1, जेड 2, जेड 4, जेड 5, जेड 6, जेड 7। दूसरे रीजन के अंदर 12 रूट्स लाई करें, तो ये 12 भी इसके तो अंदर है ही है, 5 और है, यानी कि उसके बाहर लाई करें होंगे जेड 8, जेड 9, जेड 10, जेड 11, जेड 12। आपसे पूछ रहे हैं 1 और 2 के बीच में कितने रूट्स लाए करें, यानी कि ये वाला जो रिंग वाला रीजन है कितने लाए करें, 5 लाए करें, तो 5 वाला करेक्ट एकदम आंसर है, देयरफॉर बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन। सबको समझ में आया क्वेश्चन, यस और नो कमेंट करके बताएं। अच्छे से रूट्स थ्योरम अप्लाई करना आया, ये देखना है कि कब हम देख सकते हैं पॉलीनोमियल के कितने रूट्स आ रहे हैं विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द रूट्स। अगर रूट्स कैलकुलेट ही करने पड़ जाए फिर तो रूट्स थ्योरम काम जो है वो ही काम अपना आसान करने वाली है कि बिना कैलकुलेट करे आंसर बताओ, सही है। एक और क्वेश्चन करें, जवाब दोगे तभी पता लगेगा। अनदर क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन का जवाब आप सबकी तरफ से आना चाहिए। रेडी, चलो फिर एक क्वेश्चन आपको प्रवेश के दर्शन करा दिए जाए। कंसिडर अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जेड रेस पर 5 माइनस 11 जेड रेस पर 3 प्लस 17 इज इक्वल टू 0। Then the number of roots it has is 0 in z is equal to 1, n is equal to 3, in mod z is equal to 2, n is equal to 2, n z belongs to complex number such that and n is equal to 0 outside mod z is equal to 4। ये आपके पास कुछ चार ऑप्शंस हैं, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, लगाएं दिमाग आंसर बताएं। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या गिवन है, दोबारा से एक पॉलीनोमियल जैसा गिवन है, जेड रेस पर 5 माइनस 11 जेड क्यूब प्लस 17। अब अलग अलग रीजन में आपसे इसके रूट्स के बारे में पूछा गया, अब एक तरीका क्या है कि आप इसके 5 रूट्स निकालें फिर आंसर बताएं, पर हमें तो बिना रूट्स निकालने निकालना है, हमें तो टाइम बचाना है, तो हम रूट्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, वो हमारा काम आसान कर देगी। उसमें बिना रूट्स निकाले हम बता सकते हैं कितने रूट्स आ जाएंगे कौन से रीजन में। पहला रीजन है जेड इज इक्वल टू 1, क्या करेंगे आपको सिखाया ये काम भी, तो पहले सारे जो अलग अलग करके लिख लेते हैं, मॉड जेड रेस पर 5 का मॉडुलस माइनस 11 जेड क्यूब का मॉडुलस एंड 17 का मॉडुलस, ये तो हमेशा 17 रहने वाले हैं। अब 1, पहले रीजन 1 पुट करते हैं, तो मॉड जेड इज इक्वल टू 1 देख रहे हैं, तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11।
तो हम क्या देख पा रहे हैं, क्या 17 का मॉडुलेशन सबसे बड़ा है? तो हम देखेंगे एज एट मॉड जेड इज इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ 17 इज ग्रेटर देन जेड रेस पर 5 माइनस 11 जेड क्यूब। अब 17 के कितने रूट्स मिलेंगे? 17 तो कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल है, इसका कोई रूट मिलेगा हमारे पास? इसमें नहीं मिलेगा, है ना, तो जीरो रूट्स आ जाएंगे। इसका मतलब मॉड जेड इज इक्वल टू 1 में अगर 17 के जीरो रूट्स है तो पूरे इस फंक्शन के भी जीरो रूट्स होंगे। ए पार्ट बिल्कुल ठीक है। कमिंग टू बी पार्ट, अब मॉड जेड इज इक्वल टू 2 पुट करना है। देखिए 2 पुट करते हैं, बताओ 2 पुट करने से क्या आएगा? मेजर का जल्दी से आप कमेंट करो, सब समझ आया है ना, तो आपकी तरह से जवाब आना चाहिए। बताओ मॉड जेड इज पर 5 क्या हो जाएगा? 2 रेस पर 5 दैट इज 32, 11 टाइम्स 8 इज 88 एंड 17 तो 17 ही रहा। अब बताओ सबसे बड़ा कौन हो गया? 88 सबसे बड़ा हो गया, तो माइनस 11 जेड क्यूब का मॉडुलस इज ग्रेटर देन जेड रेस पर 5 प्लस 17। हमने फिर से इसको फैक्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब इसके जितने रूट्स होंगे उन बाकियों के भी उतने रूट्स मिल जाएंगे जेड इज इक्वल टू 2 में, के अंदर रीजन में। इसके कितने रूट्स मिलेंगे? जेड 0, 0, 0, क्या तीनों रूट्स इस रीजन में लाई करते हैं? बिल्कुल करते हैं, तो इस पूरे पॉलीनोमियल के भी 3 रूट्स मिल जाएंगे, देयरफॉर n इज इक्वल टू 3। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब बात करें 3 से 4 के बीच में, हमने 1 और 2 के लिए कैलकुलेट करा है, अब 3 और 4 के लिए करना है। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा 3 और 4 के लिए? z इज इक्वल टू 3 पे पहले सबकी वैल्यूज इंडिविजुअली निकालो और फिर देखो कौन सा सम बड़ा हो जाएगा, फिर काम करो। बताओ 3 रेज पर 5 क्या हो जाएगा? 9 × 9 = 81 एंड है ना 81 × 3 दैट इज 243 माइनस 11 जेड क्यूब। जेड क्यूब क्या हो जाएगा? 3 क्यूब होगा 27 और 27 × 11 27 27 ये आ जाएगा 297 और ये अपना 17। ठीक है, यहाँ तक ठीक है बात सारी? ओके, अब देखो कौन सबसे बड़ा है, आपको दिख रहा होगा ये सबसे बड़ा है, डिस्पाइट कि उन सबको ऐड कर दो फिर भी सबसे बड़ा यही है। तो मॉड जेड इज इक्वल टू 3 के केस में भी कितने जीरो आ जाएंगे? जितने इसके पास जीरो हैं दैट इज 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मॉड जेड इज इक्वल टू 3 के केस में 3 है, अब 4 के केस में भी निकालना पड़ेगा। 4 के केस में निकालते हैं, इन सबकी वैल्यूज दोबारा निकालते हैं। मॉड जेड रेस पर 5 क्या हो जाएगा? 16 × 16 = 256 × 4 निकाल लेना जरा, ये क्या आएगा? माइनस 11 × z³ दैट इज 64 × 11 है ना, 64 64 दैट इज 704। अगला हमारे पास है मॉडुलस ऑफ 17, जो तो 17 ही रहने वाला है। अब बताओ इनमें से कौन सा बड़ा होगा? 250 को 4 टाइम्स करके 1000 आते तो 1000 से पार जाने वाला यही बड़ा हो गया, तो ये सबसे बड़ा आ गया, तो कितने आ जाएंगे? n इज इक्वल टू 5। तो 4 के रीजन में 5 आए, 3 के रीजन में 3 आए। दोबारा से करें सेंट्रिक सर्कल बना के देख लो अगर कोई कंफ्यूजन हो। अपने पास क्या है? मॉड जेड इज इक्वल टू 3, ये मॉड जेड इज इक्वल टू 4, सेंटर 0। 3 के अंदर कितने रूट्स मिल रहे हैं? 3, एक ए डॉट एक ए डॉट एक ए डॉट 1 2 3। 4 के अंदर कितने मिल रहे हैं? 5, 3 तो ए रहे, 2 और होंगे 4 5। अब हमें पूछ रहे हैं 3 और 4 के बीच में जो एक कंसेंट्रिक रिंग है इसमें कितने मिलेंगे? 5 में से 3 तो अंदर रिंग में कितने बच गए? 2। सो द आंसर इज 2, बिल्कुल सही। अब z इज इक्वल टू 4 के बाहर कितने मिलेंगे? 4 के अंदर 5 है, पॉलीनोमियल मैक्सिमम 5 डिग्री का है, तो इसके बाहर तो कोई नहीं मिलेगा, 0। सो द करेक्ट ऑप्शन आर ए बी सी एंड डी। ठीक है, सबको समझ में आया? ए बी सी रेशियो आपने बताया बिल्कुल ठीक, डी पार्ट भी सही है, सब सही है कि कोई भी z इज इक्वल टू 4 के बाहर नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से रूशेस थ्योरम से हम अलग अलग रीजन में रूट्स का पता लगा सकते हैं विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द वैल्यू। और ये काम देखो कितना आसान है, पहली बार करें इसलिए इतना लिखा है, वरना आप ये ओरली करोगे और आराम से काम हो जाएगा। ठीक है जी, अंडरस्टूड? आज हमने दो चीजें पढ़ी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा एंड रूशेस थ्योरम। क्या दोनों थ्योरम और दोनों थ्योरम की एप्लीकेशन समझ में आई आपको अच्छे से? मैं आपको हर रोज बता रही हूँ कि मैं हर रोज इस तरीके से वीडियोज बना रही हूँ कि हर वीडियो से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का रूशेस थ्योरम से क्वेश्चन आ सकता है, कल हमने आर्गुमेंट प्रिंसिपल पढ़ा था उससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते जाएंगे, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है कॉची रेसिड्यू थ्योरम, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है।
आता ही है, ठीक है ना। सो बी प्रिपेयर्ड कि हर वीडियो से एक क्वेश्चन आने की आप तैयारी करके चलें, सही है। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछें, बिल्कुल। डी पार्ट भी इंक्लूड होगा, रिशु एंड प्रेरणा, सही है। तो आपको मालूम ही अब क्या करना होता है, अटेंडेंस कैसे लगानी होती है, लाइक का बटन प्रेस कर कर, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है सो सब्सक्राइब एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ट्रिप बोहेमिया फैमिली। एंड कुछ और हमारे पास क्वेश्चन आया है, मैम प्लीज इस पर और क्वेश्चंस दे दीजिए प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस दूं? आप खुद से बना सकते हो, जैसे मैंने एक पॉलीनोमियल बनाया था अभी, पर आपने कहा ये तो एक दो मैं दे रही थी। आप खुद से पॉलीनोमियल बनाओ और अपने आप आपको यही वाली बात आ जाएगी। टेक अ पॉलीनोमियल कोई भी डिग्री का और चार पांच रीजन ले लो, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस मैं दे देती हूँ और कुछ होमवर्क के लिए दे देते हैं। तो मान लो आपके पास पॉलीनोमियल है जेड रेज पर 11 माइनस 3z³ प्लस 8, ठीक है। आपके पास फंक्शन है, इसको मॉड जेड इक्वल टू 1, मॉड जेड इज इक्वल टू 2, और mod z इक्वल टू 3, आउटसाइड mod z इज इक्वल टू 5, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लो, खुद से बना सकते हो, ऐसे मैंने भी ओरली बनाया, आप भी बना सकते हो, कुछ नहीं। पॉलीनोमियल लेना है, कुछ रीजन लो और काम हो जाएगा। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, नंबर ऑफ जीरोस निकालने, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, बाकी का आपको मालूम है ना। रूट टू टाइम्स जेड रेस पर 122 माइनस जेड रेस पर 11, 110 कर दें, प्लस 1 मॉड जेड इज इक्वल टू 1 के अंदर, इनसाइड मॉड जेड इज इक्वल टू 3, इन जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड लाइज बिटवीन 2 एंड 4, एंड इनसाइड जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड वेरीज फ्रॉम 1 एंड 3, ठीक है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करने हैं, आप खुद से ऐसे जितने मर्जी क्वेश्चन बना सकते हो। आपने कहा तो आपके लिए मैंने अभी बना दिया, ओके प्रेरणा। और कुछ बताओ बेटा, ठीक है। फिर मिले शाम को 8:30 बजे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन में मिलेंगे शाम को 8:30 बजे। तब तक आपके पास पूरा दिन है, कैश इट, यूज इट वाइजली। आपको बताया एग्जाम आ गए हैं तो आपने एक पूरा पेपर सॉल्व करना है बैठ के पूरा दिन, तो पेपर सॉल्व करें अच्छे से, उसको स्टडी करें, शाम को कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम मिलकर करेंगे, ठीक है। थैंक यू मैम, एंड सॉरी आपको नाश्ते के लिए लेट कर दिया, इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं, आप रोज करते हैं, बट आई एम यूज टू इट। मैं नाश्ता वैसे थोड़ा लेट ही करती हूँ बिकॉज पहले मेरा बाकी रूटीन भी होता है। आप लोगों ने बस उसे 1 घंटा स्ट्रेच करा, मैं उसे 3-4 घंटे स्ट्रेच करती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज, योगा एंड वो सारे रूटीन के चक्कर में तो स्ट्रेच होता ही है, तो आई एम यूज टू इट। हाँ, पर मैं कभी कभी फ्रूट्स खा लेती हूँ, पहले वो भी नहीं आज खा पाई, बिकॉज आज खा लूँगी, अभी खा लूँगी, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो कंसिडरेट। थैंक यू, टेक केयर।